नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत सरकार द्वारा पिछले महीने प्याज के निर्यात मामले को लेकर कहा कि उनके देश को भी थोड़ी असुविधा हुई है और अब उन्होंने अपने खाना बनाने वाले रसोइये से कह दिया है कि वे खाने में प्याज ना डाले। INX मीडिया मामले में कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से जवाब मांगा है। कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वायुसेना दिवस पर इस बार अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनकू हेवीलिफ्ट हेलीकॉप्टर भी परेड में शामिल होगी। आपको बता दें कि विंग कमांडर सुशील ने कहा है कि पहली बार ये दोनों विमान वायुसेना की परेड में शामिल होंगे। 2020 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन इस बार जापान की राजधानी टोक्यो में होने जा रही है। खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक में इस बार तकनीक का बोलबाला होने वाला है। आपको बता दें कि टोक्यो की मेजबानी में होने वाले इस ओलंपिक के लिए इस बार गोल्ड, सिल्वर और कांस्य मेडल रिसाइकल किए हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान से बनेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र और हरियाणा में 10 अक्टूबर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। 19 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रचार अभियान में वह रोड शो भी करेंगे और चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में 21 अक्टूबर को मतदान होने हैं जबकि चुनाव परिणाम 24 अक्टूबर को आएंगे। मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संकेतों एवं रुपए के कमजोर होने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 2010 रुपए की तेजी के साथ बढ़ गया। आपको बता दें कि इसके साथ ही सोना 39,075 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक चांदी की कीमतें 46,490 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 433.56 अंक गिरकर 37,673.31 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 139.25 गिरकर 11,174.75 पर बंद हुआ। बता दें कि इस गिरावट से भारतीय शेयर बाजार के इन्वेस्टर को भारी लॉस हुआ है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान की बायोग्राफी जल्द ही प्रकाशित होने जा रही है। ये किताब प्रसिद्ध प्रकाशन कंपनी पेंगुइन हिंदी पब्लिश करेगी। आपको बता दें कि पासवान की बायोग्राफी पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में बचपन से लेकर उनके निजी जिंदगी से जुड़ा सारा लेखा जोखा देखा जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों को वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर लाइन नहीं लगानी होगी। दरअसल चुनाव आयोग ने जनता की परेशानी को देखते हुए इस बार वोटिंग के लिए टोकन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है, जिसके तहत हर बूथ पर टोकन मशीन लगाए जाएंगे जहां से वोटर टोकन लेंगे। इसमें नंबर दर्ज होगा, वोटर उस नंबर पे ही अपना वोट डाल पाएंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को नई दिल्ली से लोहिया खास जाने वाली सरबत दा भला एक्सप्रेस ट्रेन को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि पहले इस ट्रेन का नाम दिल्ली लुधियाना इंटरसिटी था और अब यह ट्रेन पवित्र शहर सुल्तानपुर लोधी से होते हुए जालंधर में लोहिया खास तक जाएगी। भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 5वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5 विकेट से हराकर 6 मैचों की सीरीज में 3-0 से बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि पिछले 2 मैच बारिश की वजह से असफल हो जाने के बाद सीरीज 5 की बजाय 6 मैचों की कर दी गई है। RBI ने ब्याज दरें 0.25% तक घटा दी है। इस फैसले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI रेपो रेट से जुड़े होम लोन की ब्याज दरों में भी कटौती कर सकता है। बता दें कि SBI ने अपने एक बयान में बताया था कि हमने यह तय किया है कि फ्लोटिंग रेट वाले सभी MSME हाउसिंग और रिटेल लोन को 1 अक्टूबर से एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती के साथ ही 2019-20 में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को भी 6.9% से घटाकर 6.1% कर दिया है। हालांकि सरकार ने फाइनेंशियल ईयर के दूसरे हाफ में ग्रोथ में रिकवरी होने की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि जून तिमाही में देश की GDP 6 साल के निचले स्तर पर पहुंचते हुए 5% से भी नीचे पहुंच गई थी। अयोध्या जमीन मामले में सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन कम कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का वक्त कम करते हुए संबंधित पार्टियों को 17 अक्टूबर तक का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई का दिन कम करते हुए सभी पक्षों से कहा कि उनकी अदालत से जो भी समाधान की उम्मीद है वह 17 तारीख तक अपने तर्कों के जरिए रख दें।
2020 हज यात्रा के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। अगले साल हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए 10 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हज पर जाने वाले इच्छुक लोग 10 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। सभी हज यात्रियों को ई वीजा की सुविधा भी दी जाएगी, साथ ही मोबाइल ऐप के जरिए भी हज के लिए आवेदन किया जा सकेगा। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल साउथ अफ्रीका के विशाखापत्तनम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन उन्होंने डील एंगल को आउट कर टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए हैं। जडेजा ने अपने 44वें टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि वह सबसे कम टेस्ट मैच में 200 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद अशोक तंवर द्वारा कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद उनके समर्थक भी एक एक करके इस्तीफा देने लगे हैं, जो कि कांग्रेस के लिए सही नहीं माना जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव ठाकुर भवानी सिंह, प्रदेश व्यापार सेल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश सरदाना सहित आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सैमसंग ने हाल ही में गैलेक्सी फोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च किया था और इसकी प्री बुकिंग आज से शुरू हो गई है। यह कंपनी का पहला फुल्ली फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जिसमें टैबलेट और स्मार्टफोन दोनों का एक्सपीरियंस मिलेगा। इस फोन की प्री बुकिंग आज से शुरू हो रही है, लेकिन फोन की डिलीवरी 20 अक्टूबर से शुरू होगी। एक और जहां ऋतिक रोशन की नई फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है, वहीं उनकी पिछली फिल्म सुपर 30 को सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर और सुशांत सिंह की फिल्म ने अब तक 148 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन कर लिया है और अब 150 करोड़ के पड़ाव से कुछ ही दूर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश और दुनिया सभी को पता है कि भारत में क्या हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करने में मस्त हैं। हरियाणा के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, फिल्म निर्मात्री और कवित्री, व्यवसायी, पर्यावरणविद आदि समाज सेविका ने एक अनोखी मुहिम की शुरुआत की है। बता दें कि इसके तहत साल भर में 10 लाख से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। दिल्ली सरकार ने मुंडका के करीब 90 एकड़ में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बिल को पास कर दिया है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी योजना स्पोर्ट्स स्कूल और कॉलेज खोलने की भी है, जो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएंगे। उत्तराखंड में आज 2019 पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार छोड़कर शेष 12 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और पीएम मोदी के बीच आज वार्ता होगी। आपको बता दें कि शेख हसीना 4 दिन के भारत दौरे पर आई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस रवि झा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एल एन स्वामी को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। जानकारी के अनुसार जस्टिस झा शनिवार को शपथ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि गांव गोरहरी में नकली खाद बेची जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब यहां नकली खाद से भरी एक ट्रक पकड़ी गई। आपको बता दें कि जिला कृषि अधिकारी वीर प्रताप सिंह ने गोरहरी में यह ट्रक पकड़ी। कौन से विभाग से सर? कृषि विभाग। जिला कृषि अधिकारी। ये जो मामला गोरहरी में नकली खाद का चल रहा है इस समय, इसमें आप आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं, इसमें खाद कैसी है? अब एक्चुअली बताई हुई खाद है, इसका तो ना लाइसेंस है। अच्छा। ना कोई कागज इनके पास अवेलेबल है। अच्छा, कोई कागज हो। अच्छा। और मैंने देखा इनका एक कागज, इन्होंने व्हाट्सएप से कागज दिखाया है। हाँ। 89 रुपए की बोरी है। अच्छा। बोरी में प्रिंट रेट 1295 रुपए पड़ा हुआ है। अच्छा। और जब मैंने इनके डीलर उससे जो यहाँ था इनका प्रतिनिधि, मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि 1100 रुपए में किसान को। अच्छा, तो इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल, जो वैधानिक कार्रवाई होती है तो वैधानिक कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन बेरिसाल भंडारा में किया गया, जिसमें जूनियर वर्ग में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेरिसाल भंडारा खोड़ा व प्राथमिक वर्ग में प्राथमिक विद्यालय काछिन खोड़ा ने चैंपियनशिप जीती। आपको बता दें कि इस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला व्यायाम शिक्षक आदित्य मणि शर्मा व अनिल शुक्ला ने किया है।
बिहार के पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि राजेंद्र नगर में जल जमाव भले ही कम है, लेकिन इलाके में लोगों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आपको बता दें कि स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार द्वारा लगातार यहां सुविधा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।